इंदौर में रामनवमी के दिन बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में दर्शन करने पहुँचे श्रद्धालुओं को इस हादसे का अंदेशा ना था। मंदिर में हवन के दौरान जब लोग आहुति दे रहे थे तब अचानक उन्हें ही अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो सन्न रह गया। मंदिर प्रबंधन की लापरवाही के चलते 13 लोगों को यमदूत का बुलावा आ गया। 13 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में बने कुएं के ऊपर की छत धंसने से कई श्रद्धालु इसमें गिर गए। भाग्यपूर्ण घटना हुई है, लेकिन भगवान की कृपा से हम सब पूरी ताकत से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। मैं लगातार संपर्क में हूं। अब तक 10 लोग सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं, 9 और सुरक्षित जीवित अभी अंदर हैं जो सुरक्षित हैं, और बाकी के लिए प्रयास लगातार जारी है। मुझे लगता है कि प्रभु राम की कृपा से, भगवान की कृपा से हम लोग जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, सारे संसाधन वहाँ जुटाए हुए हैं और काम में लगे हैं, और मुझे लगता है कि हम सुरक्षित बाहर निकाल पालने में सफल हो पाएंगे, क्योंकि 19 लोगों का तो मैंने बताया ही, अभी बाकी के लिए प्रयास जारी। बाकी अभी तक कोई मतलब अभी तक कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण खबर अभी तक नहीं है, लेकिन कुछ लोग अभी अंदर है जिनको निकालने के प्रयास जारी है। जिससे यहाँ अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने रस्सियों के सहारे और सीढ़ी के सहारे कोशिश कर कई लोगों को निकाला। ये कुआं करीब 40 फीट गहरा था और 5 फीट तक पानी भरा था। सूचना पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम ने लोगों को निकालने के लिए जद्दोजहद की और कई लोगों का रेस्क्यू किया। वहीं हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी संज्ञान लिया और पीएम मोदी ने भी सीएम शिवराज से बात कर हादसे की जानकारी ली। सीएम शिवराज ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया। हादसे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि घटना से व्यथित हूं। हादसे के जांच के आदेश दिए गए हैं। इस हादसे के बाद मंदिर प्रबंधन और प्रशासनिक अधिकारियों पर कई सवाल उठ रहे हैं कि जब धार्मिक स्थलों पर इस तरह के हादसे पहले भी देखे गए हैं। मध्य प्रदेश में ही कुछ दिन पहले कुबेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव में बेहाल भीड़ जुटी थी, तब भी व्यवस्थाएं फेल नजर आई थी। वहीं बागेश्वर धाम से भी ऐसी तस्वीरें आई थी। देश में पहले भी कई जगहों पर मंदिरों में भीड़ बढ़ने की घटना सामने आई है, फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों? रिपब्लिक इंडिया की मध्य प्रदेश से डेस्क रिपोर्ट।